चलिए ध्यान से समझना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? क्या कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करने का मतलब एक साथ मिला देता है और डाइवर्ज करने का मतलब है दूर दूर करते हैं ऐसा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज। कॉनकेव लेंस क्या करता है? कोई लेंस लाइट रेज को कितना कन्वर्ज करेगा या कितना डाइवर्ज करेगा वही इसकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भाई लेंस का काम है लाइट रेज को आइदर कन्वर्ज करना और डाइवर्ज। कॉन्वेक्स है तो कन्वर्ज करेगा, कॉनकेव है तो डाइवर्ज करेगा। अब वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को वही क्या कहलाती है? उसकी पावर। जैसे हमें मोस्टली सबको स्पेक्स लगा हुआ है आज के टाइम में, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसके स्पेक्स का जो नंबर है और अंश के स्पेक्स का जो नंबर है वो सेम होगा। दोनों का नंबर क्या होगा? दोनों की पावर क्या होगी? कोई लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा होगा, कोई लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो हम ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? कब कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, कब कॉनकेव लेंस यूज होता है, वो हम ह्यूमन आई चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, अगर 10 जनों ने चश्मा लगा रखा है और 10 जनों ने चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रखा है, तो क्या सबके कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्जिंग पावर सेम होगी? किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की बहुत ज्यादा होगी। कोई लाइट रेज को कम कन्वर्ज करेगा, कोई लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज करेगा। जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी ज्यादा पावर, जो कम कन्वर्ज करेगा उसकी कम पावर। तो लाइट रेज को कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। कितना वो कन्वर्ज कर रहा है, कितना वो डाइवर्ज कर रहा है वही उसकी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है उसकी? कौन कौन से लेंस पढ़े आपने? कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या करता है लाइट रेज को? ये क्या करता है लाइट रेज को? कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज करेगा वही क्या कहलाएगी उसकी? देखो अपने पास पावर ऑफ लेंस रेडी बना पर, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज नोन एज इट्स पावर, is known as its power. किसी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग एबिलिटी कितनी है वही कहते हैं उसकी कॉन्वेक्स लेंस के लिए कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस के लिए डाइवर्जिंग, राइट? अब पावर का फॉर्मूला देखते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल का फॉर्मूला, 1/4 फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला? कौन फोकल लेंथ होनी चाहिए मीटर से। कंडीशन है ये, कंडीशन में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर। वो हर बार क्वेश्चन में या तो सेंटीमीटर में देगा या मिलीमीटर में देगा, आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि पावर का फॉर्मूला लगाने के लिए, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए फोकल लेंथ किसमें होनी चाहिए? मीटर। देखो अपने पास फॉर्मूला, अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या डेफिनेशन पड़ती है? Power of a lens is the reciprocal of its focal length, और ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो इसका पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। इट किसके लिए आया था? लेंस के, लेंस की फोकल लेंथ। Power of the lens is the reciprocal of its focal length, that is written in meters. In meters. Then, next, star dal kar. Batao, convex lens light rays ko converge karta hai diver? Is point par converge karta hai, wo kya kehlata hai? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है या राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कौन सी साइड आ रहा है? राइट हैंड साइड आ रहा है। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, फोकल लेंथ क्या है तो बच्चों पावर भी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/f। f पॉजिटिव है तो पावर भी क्या रहेगी? तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है? ओके, दोबारा समझ, बिल्कुल नहीं समझ आया। पावर का फॉर्मूला क्या है? 1/4 f, f किसमें होना चाहिए? कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस जो है
वो राइट हैंड स्ट्राइक लाए करता है तो इसकी इसका मतलब है कि उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, क्योंकि पावर के फॉर्मूले में कुछ और आ ही नहीं रहा है, सिर्फ फोकल लेंथ आ रही है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव दैट मीन्स पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये आ गया कॉन्केव लेंस। वही अगर मैं बात करूँ कॉन्केव लेंस जो भी लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो कौन सी साइड लाइन करता है, लेफ्ट हैंड साइड लाइन करता है, तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होती है नेगेटिव, तो उसकी पावर भी कैसी होगी नेगेटिव होगी। ये किस किस को समझ आ गई बात, देखो अपने पास स्टार डालकर, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एज द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एज its focal length is positive, as its focal length is positive, as its focal length is positive, whereas the power of concave lens is negative, the power of concave lens is negative because whereas the power of concave lens is negative because its focal length is negative, because its focal length is negative, और इतना लिखने के बाद अपने पास बोर्ड से कॉपी कर लीजिए ऐसे ये शॉर्ट में याद रहेगा, जल्दी से कॉपी कर लो। देखो फिर से स्टार्ट डाल के, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, देखो स्टार्ट डाल, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोमीटर, स्पेलिंग इज ऑन द बोर्ड, the SI unit of power is diopter represented by capital D, SI unit of power is diopter, किससे represent करते हैं उसको, अपने पास एक क्वेश्चन लिखो, define one diopter power, और करके लिखना, define the SI unit of power of man, या तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन वन डायोप्टर, या फिर आपके पास आएगा डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर। पावर का फॉर्मूला बना कौन है, एफ किस में होना चाहिए मीटर्स में। अगर आपके पास कोई लेंस ऐसा है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, अगर आपके पास कोई लेंस ऐसा है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, कितने मीटर है 1 मीटर, तो उसकी पावर सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी 1 डायोप्टर। तो इतना कॉपी करो, पावर का फॉर्मूला मैंने कौन है कॉपी कर लो जल्दी से, इतना सुनने का लिया। देखो इसकी डेफिनेशन, ये सब सॉल्यूशन में लिखना है, ये सब एक्सप्लेन भी करना है और डेफिनेशन भी लिखना है। देखो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ दैट लेंस, 1 डायोप्टर is the power of that lens whose focal length is, 1 diopter is the power of that lens whose focal length is 1 meter, whose focal length is 1 meter, bracket में लिखेंगे और 100 centimeter, और 100 centimeter, 100 centimeter में भी तो कितने मीटर होते हैं 1 meter, clear है। तो 1 डायोप्टर पावर उस लेंस की होगी जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट स्टडी बनाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस, एडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेस। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर एक और कॉन्वेक्स लेंस है, फिर एक और कॉन्वेक्स, या तीनों का शेप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, या तीनों की पावर सेम होगी या डिफरेंट होगी, तीनों की पावर्स डिफरेंट होगी। तो मान लेते हैं इसकी पावर P1, इसकी पावर P2 और इसकी पावर, तीनों कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं मैंने, जरूरी नहीं है कि कॉन्वेक्स ही लेना है, कॉनकेव भी ले सकते हो, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव भी ले सकते हो एज योर विश। तीनों की पावर अलग अलग है तो P1, P2, P3, या तीनों की फोकल लेंथ सेम होगी, दोनों का सबका शेप और साइज अलग अलग है तो सबकी फोकल लेंथ भी अलग अलग होगी F1, F2। अगर मैं इन तीनों लेंसेज को कंबाइन करूं
तो कंबाइंड पावर कितनी आएगी, वो ये पूछते हैं। तो अगर आप जो तीनों लेंसेज को कंबाइन कर देते हो तो उनकी पावर्स जो होती है वो प्लस में। कभी भी आप लेंसेज को आपस में जोड़ देते हो तो उनकी पावर्स हमेशा क्या हो जाती है, प्लस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लेंसेज जोड़ो, पावर भी क्या हो जाएगी, प्लस। तो पावर, ओवरऑल पावर जो बैठेगी कॉम्बिनेशन की, वो बैठेगी P1 प्लस P2 प्लस P3। चार लेंस होते तो प्लस P4, पांच होते तो प्लस P5, ऐसे बढ़ता चला जाता। क्लियर हो रहा है? तो अगर कभी भी आप लेंसेज को कंबाइन करते हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं। अगर मैं इसको फोकल लेंथ की टर्म्स में लिखूं तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f1, ये हो जाएगा 1/f1, ये 1/f2, ये 1/f1। समझ आ गया तो नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ लीजिएगा। देखो एक एग्जाम्पल, ये बोर्ड पर फोकस करते हुए, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। मान लो इसकी पावर दे रखी है 2/f, ठीक है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। मान लो इसकी पावर दे रखी है 4/f, ये कौन सा लेंस है, कॉनवेक्स लेंस। मान लो इसकी पावर दे रखी है 1/f। अब कुछ लेंस की पावर तो प्लस होती है और कुछ की माइनस। इसकी प्लस होती है, सब बोलो, कॉनवेक्स वाले की पावर क्या होती है, और कॉनकेव वाले की माइनस। पक्की वाला वो साइन देगा या हमें खुद से लगाना है, हमें मैक्सिमम केसेस में साइन खुद से लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन गिवन नहीं होगा, राइट। अब वो कह रहा है मान लो कि तीनों लेंस को कंबाइन करें, ओके, क्यों सीधे बैठो, तीनों लेंस को क्या कर दिया, कंबाइन। तो कंबाइंड पावर ऑफ थ्री लेंसेज, तीनों लेंसेज की पावर को क्या कर दोगे, प्लस। अगर तीनों लेंसेज को आपने जोड़ दिया है तो उनकी पावर्स भी क्या आ जाती है, प्लस। P1 प्लस P2 प्लस P3। फर्स्ट लेंस की पावर थी 2, सेकेंड की -4, माइनस वाले को ब्रैकेट में लेंगे, और थर्ड वाले की 2 माइनस 4 प्लस 2 प्लस 1 3 माइनस 4। तो ओवरऑल पावर कितनी बची थी, -1। ऐसे आप ओवरऑल पावर निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। समझ आ गया तो नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ, फॉर एग्जांपल डाल कर नोट कर। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है ना, हमने भी कॉपी, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ एक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। पावर प्लस में दे रखी है बच्चों, पावर प्लस में कॉन्वेक्स किया कॉनकेव भी, तो इसका मतलब कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पावर कैसी है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, डाइवर्जिंग, तो कन्वर्जिंग लेंस। ये ध्यान रखना इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो पूछा है बार में, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। अब जैसे याद होगा कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, वही तो बता पाएगा इसका आंसर, इसलिए ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। तो ये वाला तो हो गया कन्वर्जिंग। फिर उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पावर का फॉर्मूला लगाओ, 1/f, f किस में होना चाहिए, पावर कितना गिवन है, 1.5 1/f। f आपको निकालना है तो f इधर भी, तो 1.5 नीचे आ जाएगा, है ना, दोनों को एक्सचेंज करो, f आ जाएगा 1/1.5। सॉल्व कर लेते, पॉइंट हटेगा, 0 आएगा, 5 2 5 3, फोकल लेंथ आ जाएगी 2/3 मीटर। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, 0.0666 हो जाएगा। ये जल्दी से कॉपी कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। इस केस में पावर कैसी रहेगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस, नेगेटिव किस केस में होती है, कॉनकेव लेंस के केस में। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस में आ जाएगा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग होता है। और फोकल लेंथ आप इजीली निकाल सकते हैं पावर का फॉर्मूला लगाकर, 1/f। f आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मीटर। फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। ओके, पावर के ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो समझ आ रहा है, कर लोगे? यस सर।